भौगोल की दृष्टि से पश्मीना की कहानी इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है। पश्मीना, जिसका अर्थ है बेहतरीन ऊन। लद्दाख में बनाए जाने वाले पश्मीना शॉल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए आमतौर पर एक परिवार को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पश्मीना के धागे को बनाने की प्रक्रिया आरंभ तब होती है जब लद्दाख के स्थानीय बकरियों के बढ़े हुए बालों को काटा जाता है। सबसे कोमल रेशे से पश्मीना धागा बनाया जाता है। पश्मीना शॉल बनाने के प्रत्येक चरण में एक अति विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि बकरियों के ऊन की कटाई से लेकर रंग के अनुसार हाथों से छटाई, उनकी लंबाई एवं गुणवत्ता और इसके बाद सफाई, कटाई और रंगाई के कई दौर शामिल होते हैं। पश्मीना के शॉल अधिकतर उसके प्राकृतिक रंगों से ही पहचाने तथा बेचे जाते हैं। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लद्दाख के जनजातीय बुनकरों का पंजीकरण किया गया है तथा उनके द्वारा बनाए गए पश्मीना शॉल एवं उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से देश और विदेश में बेचा भी जा रहा है। इस पंजीकरण के साथ ट्राइफेड लद्दाख के जनजातीय परिवारों के जीविका तथा आमदनी का स्रोत बनने में सहायक बना है।